नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं संजीव समीर यूट्यूब के चैनल चौपाल संवाद के माध्यम से लगातार आप लोगों के बीच शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरें लाता रहा हूं, आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हैं कि समान काम समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, वह किसी के गले नहीं उतर रहा है। 4.25 लाख शिक्षक सदमे से गुजर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षकों ने गलत कदम भी उठा लिए हैं। लेकिन मैं आप सभी तमाम शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस तरह का कदम नहीं उठाएं। साथ ही साथ बिहार सरकार का जो रवैया रहा है, केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। उन सभी ने कोर्ट में जाकर के हम लोगों के खिलाफ खड़ा होने का काम किए और आज वे दुहाई दे रहे हैं कि हम शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे जो कार्यभार संभाल रहे हैं, या CRCC हैं, या BRP हैं, या BLO हैं, हम लोग जो पटना में बैठक करेंगे, सर्वदलीय बैठक, उसमें जो निर्णय होगा तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए लागू होगा। और आज यदि सिर्फ और सिर्फ भागलपुर जिला इसका निर्णय करती है तो ये शायद संगठन के हित के लिए नहीं होगा। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक के लिए यदि हम लागू करेंगे सर्वदलीय बैठक करके पटना में, तमाम बिहार में संदेश देंगे कि सरकार द्वारा जो यह रूप दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कि एक स्कूल का नियोजित शिक्षक कार्यभार संभाले और CRCC और BRP का कार्य संभाले, तो इसके बिना नहीं होगा, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है सरकार को, तो उसको चुनौती देने के लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। यदि सर्वदलीय बैठक में तमाम शिक्षक के नेता इसको स्वीकृत करेंगे तो तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक इसका पालन करेंगे और इस पालन के तहत सरकार को ये अल्टीमेटम देंगे कि आप यदि किसी को मेरे अल्टीमेटम में चुनना चाहते हैं तो आप चुन के दिखाइए, और यदि चलाना चाहते हैं चला के दिखाइए, तो देखेंगे आपका कि क्या शिक्षा का पटरी जिस रूप में हम लोग चलाते थे वह पटरी पर चल पाता है या नहीं चल पाता है, यह चुनौती पेश करेंगे। और बिना नियोजित शिक्षा का बिहार के धरती पर कोई भी काम शायद सरकार का संभव नहीं है।